धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में दसवें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाशोत्सव के अवसर पर गुरुद्वारों में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य कार्यक्रम कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही में आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा सरकार के मुख्य संसदीय स्टीव भी माथा टेकने पहुंचे। आज असी 350 साल प्रकाश पर्व गुरु गोबिंद सिंह जी के दिहाड़े के उत्ते असी 6वीं पातशाही सारे एकत्रित होए हाँ। मैं अज इत्थे पहुँच के अपने सारे इलाके की संगत का शुकराना भी किया है और उन्होंने बधाई भी दी है और ये नाल नाल ही साढ़े हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा सरकार के सारे मंत्रियों हरियाणा के सारे ही गुरुद्वारा साहबाना विच अज दे प्रकाश पर्व के दिहाड़े से जान का उन्होंने इजाजत दी है कि असी हरियाणे की सारी साध संगत जाके असी नतमस्तक होइए और गुरु महाराज को आशीर्वाद प्राप्त करिए। और ये नाल नाल ही एक संदेश भी लैके आए हाँ, अपना सुनेहा लैके आए हाँ कि दैन इतवार अनाज मंडी करनाल दे विच 350 साल प्रकाश दिहाड़ा हरियाणा सरकार वालों मनाया जाएगा। मैं सारी साध संगत के हाथ जोड़ के बेनती भी करता हाँ और उन्होंने अगर निवेदन भी करता हाँ कि आप 12 फरवरी दिन इतवार को करनाल की अनाज मंडी विच पहुँच के आप गुरु महाराज को आशीर्वाद प्राप्त करिए, जिन्हों के मुख्य अतिथि साढ़े हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी होंगे। असी हरियाणे के सारी साध संगत वालों असी उत्थे मना रहे हाँ और जिन्हें भी साढ़े हरियाणे के कार सेवा डेरे तो साढ़े बाबा जी ने होर भी जिनी सिख संगत के जोड़े आगू साढ़े भरा ने उन्होंने सारियां असी न्योता दे के असी उत्थे बुला रहे हाँ। और मैं इस गल की बड़ी अज अपना श्रोमणी अकाली दल के साडे मैंबर साहबान साढ़े नाल बैठे ने सरदार हरभजन सिंह जी, इन्हों भी विशेष तौर पर अज मैं सुनेहा देने वास्ते आया हाँ। और इतों के गुरद्वारा प्रबंधक के साडे मैनेजिंग कमेटी के प्रधान सुखदेव सिंह जी, उन्होंने भी इस गल का मैं सुनेहा देन आया हाँ कि आप इस करनाल दे विच इस कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती तो असी पहुँच के उत्थे जाके लाह प्राप्त करिए। असर दे कोई गल ही नहीं, क्योंकि अज तो थोड़ा दिन पहलों जो चुनाव नगर निगम का जो दिल्ली चंडीगढ़ में होया सी उहदे विच एक मिसाल कायम हुई है कि 26 सीटा विचों श्रोमणी अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी नूं 21 सीटा मिलिया ने, इदों वड्डी उपलब्धि होर की हो सकती है। पंजाब और यूपी का भी चुनाव है तो उस पर क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? पंजाब ते यूपी का चुनाव जिहड़ा है इहदे समीकरण जिहड़े ने तुसीं अज टैलीविजन राती ABP का तुसीं वेख्या होणा सर्वे, उहदे विच करीबन 58 सीटा तक भारतीय जनता पार्टी ते BJP नूं उन्होंने अकाली दल नूं देण दी जिहड़ी गल आ रही है। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।